हेलो दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई हर बार की तरह बिहार के इलेक्शन में भी चली है, जहां पे कांग्रेस को बहुत ही बुरी तरीके से हारना पड़ा है। बीजेपी के कार्यकर्ता इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं, जैसे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से भी बेटर प्राइम मिनिस्टर है। तो मैंने सोचा कि इससे ही क्यों ना एक वीडियो बना लेते हैं, जो बेसिकली हो गया मनमोहन सिंह वर्सेस मोदी, यानी 10 ईयर्स ऑफ कांग्रेस वर्सेस 6 ईयर्स ऑफ बीजेपी, यानी यूपीए वर्सेस एनडीए। मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के बारे में और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 6 ईयर्स ऑफ मोदी के बारे में। मैंने 10 एस्पेक्ट्स चुने हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे और इन्हें 10 स्टार्स में से रेटिंग देंगे और लास्ट में एवरेज निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह वीडियो फैक्ट्स और एविडेंसेस पे आधारित है। किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति के दिल दुखाने का हमारा बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो ये आपका प्रॉब्लम है, फौरन इलाज कर रहिए। जीडीपी ग्रोथ रेट एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि 2004 से लेकर 2006 तक हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ही अच्छी रही है, पर 2007 से लेकर 2009 तक हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे गिर गई थी, क्योंकि 2007 से लेकर 2009 तक दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी टॉप इकोनॉमिक जैसे यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और जापान और चाइना जैसी कंट्रीज बहुत ही सफर कर रहे थे इकोनॉमिकली, और उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत नीचे गिर गई थी। हमारी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो, नियरली +3% रही 2007 से लेकर 2009 तक। ये बहुत ही अच्छी चीज है और उसके बाद हमने बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवर किया था, पर 2010 के बाद हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट वापस गिर गई थी, क्योंकि इस जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को टालने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेजर्स नहीं दिए थे। इसलिए मैं देना चाहूंगा 7 स्टार्स 10। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी यानी नो जॉब्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल बाय टोटल वर्कफोर्स इनटू 100। जितना कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी और उतनी ही अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा। इस टेबल में आप देख सकते हो कि जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नियरली 5.5% रही है इन 10 ईयर्स में। एनएसएसओ एक बहुत ही ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एवरी 5 ईयर्स को एक बार सर्वे कराता है और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा निकलता है। वो एवरी हाउसहोल्ड को जाता है और हर एस्पेक्ट के हाउसहोल्ड को जाके वहां पे पूछता है उनके अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उनके 2012 के सर्वे के हिसाब से 2.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, जो बहुत ही अच्छी है। और बात करें जॉब्स के बारे में तो इन्होंने अपने 10 ईयर्स के टेन्योर में एवरेज 9.7 लाख जॉब्स पर ईयर क्रिएट की है। जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को टालने के लिए हमें और ज्यादा जॉब्स की जरूरत थी, पर ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 5 स्टार्स 10 में से। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करना। अगर आप डेटा देखें, अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको दिखता है कि 2007 तक बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही थी, पर इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से 2008 में विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड कम हो गए, पर उसके बावजूद भी 2009 से इलेक्ट्रिफिकेशन और ज्यादा बढ़ गई थी, पर 2011 से इन्होंने मोमेंटम लूज कर दिया था लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। आप उसके बाद देख सकते हो कि बीजेपी ने कितने विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई किया पर ये, जो बहुत ही बेकार है। इसलिए मैं इन्हें लेना चाहूंगा 6 स्टार्स 10 में। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में पहले बात करते हैं रोडवेज के बारे में। रोड्स जो थी वो बहुत ही अच्छी पेस से बन रही थी। नियरली 5400 किलोमीटर्स ऑफ हाईवे एवरेजली पर ईयर 2009 से लेकर 14 तक बनाई जा रही थी, पर अगर आप बीजेपी से कंपेयर करोगे तो ये बहुत कम है, पर फिर भी अच्छी है। अब बात करते हैं रेलवे के बारे में। इन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी नए स्टेशन के लिए, नए कोचेस के लिए, नए लोकोमोटिव्स के लिए, और इन्होंने ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन भी की थी, पर अगर बीजेपी के कंपैरिजन में देखें तो वो कम ही है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और एयरवेज की बात करें तो इन 10 ईयर्स में एयर इंडिया को 30,000 करोड़ रुपीज का लॉस झेलना पड़ा। तो इन्होंने रोडवेज और रेलवे में अच्छी परफॉर्म की है, पर इन्होंने एयरवेज में बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस दी है। तो इसलिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 4 स्टार्स। ईयर 2004 से लेकर 2014 तक ओनली 30 GW ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हमने ऐड किया था। दूसरे कंट्रीज ने कई 100 GW ऑफ एनर्जी ऐड किया था, जैसे चाइना ने नियरली 230 GW ऐड किया था, पर इनकी भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है आज के करंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के लिए। जैसे मनमोहन सिंह ने 2009 के बाद इन्होंने सोलर एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट खोला था, और उन्होंने 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सिविल न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसकी वजह से बहुत सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आज बन रही है। तो कंप्लीट से बेकार तो नहीं है, पर इन्होंने कुछ फाउंडेशन ले किया है आज की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इसके लिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 2 पॉइंट्स।
एंड सेफ्टी इन इंडिया के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। तो अभी विमेन सेफ्टी की बात मैं आपको ब्रीफ से समझा देता हूँ। रेप केसेस बढ़ती गई, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन तो कॉन्स्टेंट थी, पर एसिड अटैक केसेस के कम करने के लिए उन्होंने अच्छे लॉज बनाए, इसलिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 5 स्टार्स। अभी बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही डल रह चुकी है वेस्ट के साथ, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज से, पर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ इन्होंने रिलेशंस बढ़ाए हैं, जैसे साउथ कोरिया, जापान और चाइना। चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश की है उन्होंने, पर वो नाकामयाब रहे, और साथ ही उन्होंने चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा बहुत बना ली इंडिया की, इसलिए मैं इन्हें फॉरेन पॉलिसी में देना चाहूंगा 6 स्टार्स। कांग्रेस की बात करें, अगर करप्शन की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, 0 स्टार्स दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इन 10 ईयर्स में कितनी करप्शन हुई है। 2G स्कैम, 3G स्कैम, सत्यम स्कैम, आदर स्कैम, ऐसे कई स्कैम इन्होंने इन 10 ईयर्स के पीरियड में किया है। इकोनॉमी से इसे रिफर करता है, A to Z स्कैम्स हुई है इन 10 ईयर्स की कांग्रेस सरकार में, तो 0 तो बनता है। अभी बात करते हैं डिजिटलाइजेशन के बारे में। पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। टेक्नोलॉजी की जो पेस थी वो दूसरे कंट्रीज से हम कीप अप कर रहे थे, पर अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट की सुविधा इंडिया में बहुत ही बेकार थी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में, क्योंकि जब के समय में इंटरनेट जो था वो बहुत ही महंगा था, नियरली 250 रुपीज पर GB ऑफ डेटा। आज के दिन तो 2 GB डेटा आ जाता है 250 रुपीज को, तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज रही है डिजिटलाइजेशन के मामले में, इसलिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 3 स्टार्स। अभी बात करते हैं अकाउंटेंसी एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। पहले अकाउंटेंसी की बात करें, यानी ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ले आया था 2005 में, जिसके वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में। और फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करें तो वो बेटर थी आज के कंपैरिजन से, तो बेटर ही थी फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब बहुत सारी न्यूज चैनल्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी उनके गलत पॉलिसीज के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी थोड़ी न्यूज चैनल्स कांग्रेस की तरफ अलाइन थी। इनकी जो रैंकिंग है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स की रैंकिंग है वो भी बहुत खराब है, 140 out of 180 कंट्रीज, और एवरेज परफॉर्मेंस इसमें भी रही है, इसलिए मैं इन्हें देना चाहूंगा 6 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आप ओवरऑल से इनका इन सभी का एवरेज निकाले तो वो आता है 4.4 out of 10, जो बेटर एवरेज परफॉर्मेंस रही है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि बीजेपी ने कैसे परफॉर्म किया इन 10 एस्पेक्ट्स में, उनका भी एवरेज निकालेंगे और दोनों को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट बेटर थी या कौन सा प्राइम मिनिस्टर बेटर था। और अगर आप किसी भी मेरे नंबर्स जो मैंने दिए हैं, जो स्टार्स इनको दिए हैं, उससे असहमत है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कितने स्टार्स इन्हें मिलने चाहिए।